देखिए महफिल बहुत कामयाब हुई, मौसम की नासाजी के बावजूद आप ये देखिए, ये बैठ आप ये भीग गया है पूरा, ये जो गद्दे हैं और ये दरी है और चांदनी है और खुनकी मौसम की देखिए आप उसके बावजूद, और ये रजब से जागते हुए शो रहा है। बस एक दो महफिलें और बची हैं। आइए हजरात, अब मीसम गोपालपुरी तो खैर ऐसा नाम है कि चाहे जब मख्ता बनाओ वो महफिल को मतला बना देता है, ये उसका हुनर है। लेकिन उसकी पेशानी के लिए मैं शेर नहीं पढ़ूंगा, एक ऐसा शायर आपके सामने पेश करूंगा जिसका अंदाज़ यह है कि अब हर दौर के लिए कोई ना कोई ऐसा शायर ऐसा लहजा होना चाहिए। देखिए मिजाज कैसे पैदा किया जाता है, दो मिसरे में पढ़ रहा हूँ। जहरा का दर जलाया तो दोजख तुझे मिली, कुछ लोग दोजख से भी ज़्यादा ख़राब होते हैं। आप देखिए ये दोजख से ज़्यादा, जैसे है ना देख से ज्यादा चमचा गरम, वैसे ही वाला दो शख्स ज्यादा है देखते हुए। जहरा का दर जलाया तो दोजख तुझे मिली, दोजख ने क्या किया था जो दोजख को तू मिला। अरे यार मिसरा पढ़ दिया मैंने, जहरा का दर जलाया, अन्ना यार मिसरे मजा नहीं आया। दोजख का जहरा का दर जलाया तो दोजख तुझे मिली। फखरी भाई ये अमाट है, बचपन से हम लोग भी आ रहे हैं। फखरी भाई ये चले गए कहाँ गए, अरे बाप रे बाप। अन्ना परेशान ना हो कसम खुदा की, इसीलिए वो जहाँ जा रहे हैं वहीं वो भी जा रहे हैं। ढाई बजे तक तो कुछ लोग यहाँ जाते वाते हैं, मगर वखार भाई मैं भी बचपन से, अशफाक भाई ये बात बता रहा हूँ आपको कि बचपन से देखा है कि ढाई बजे तक अगर किसी को ज़रूरतन जाना हो चला जाता है, ढाई बजे के बाद जितने भी होते हैं वो सबको सुन के जाते हैं, फिर कोई नहीं जाता। तो अब वो टाइम आ गया तो साहब के साहब फरात मर गई, या उसकी एक मंजर मैं भी पेश करना चाहता हूँ। असातिज़ा को आज यहाँ माहिर भैया यहाँ पढ़ने आया करते थे, सालिक साहब आया करते थे, माहिर भैया ने यहाँ आके पढ़ा था, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। कुल जहाँ हिम्मत शब्बीर का इकरारी है, यार मिसरे सुन लो यार, आज वकार भाई याद आए हैं, बचपन में कभी पढ़ा था आज पढ़ रहा हूँ, कहीं नहीं पढ़ा, जलालपुर में भी नहीं पढ़ा। कुल जहाँ हिम्मत शब्बीर का इकरारी है, लाशे असगर दरे खैबर से बहुत भारी है। कुल जहाँ हिम्मत शब्बीर का इकरारी है, सुनिए शकील भाई, लाशे असगर दरे खैबर से बहुत भारी है। रास्ते कहते हैं, ये करबला का मंजर है, रास्ते कहते हैं गुजरे हैं इधर से अब्बास, रास्ते कहते हैं गुजरे हैं इधर से अब्बास, दूर तक फैली हुई बूवे वफादारी है। गैज में जो बात अभी मारूफ ने कही कि साहब चुल्लू में पानी का उठाना हजरत अब्बास का, और ये पानी ये तालाब ये हजरत अब्बास के रोजे का अक्स, वो पानी में उतरना, मैं मिसरे पेश कर रहा हूँ। रास्ते कहते हैं गुजरे हैं इधर से अब्बास, दूर तक फैली हुई बूवे वफादारी है। गैज में चेहरे से अब्बास हटाए हैं नकाब, नहर पर चांद है कौसर पे जियाबारी है। गैज में चेहरे से अब्बास हटाए हैं नकाब, हजरात चार शायर भी बहुत होते हैं, नारा लग जाने का मतलब ये नहीं है कि नाजिम तीन शेर और सुना दे, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अब नारा हो गया है तो शायर भी आ जाए। आपका पसंदीदा शायर देखिए, रात भीग गई है कसम खुदा की, हज़रत अब्बास और अली अकबर के गेसुओं के जिक्र में जुल्फ़ शब अमहट की करबला पे बिखर चुकी है, शबनम के ख़तरे ज़मीन पे मोतियों की तरह बिखर रहे हैं। तो आइए ऐसे में एक शबनमी आवाज, अच्छी महफिल हो रही है। चंदन ने एक बात कही कि साहब मैं जहाँ चाहूँ वहीं मश्क सकीना भर लूँ, हौज कौसर भी मेरे बाप की जागीर में है। एक बार मुबारकपुर मिसरा हुआ था, जागीर से है, सुनिए एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूँ। किसी गालिब से तलमुज न किसी मीर से है, जहन वाबस्ता कुतुबखाना शब्बीर से है। और रजी भाई उस वक्त जो है, रजमी भाई एक शायर महफिलों में आया करते थे तो अहले सुन्नत, आमा आजमी अंधे थे आंखों से, मगर अकीदे से नाबीना नहीं थे। शेर सुनिए कुछ नहीं, इधर सुनिए साहब,
किसी गालिब से तलम्मुज़ ना किसी मीर से है, ज़हन वाबस्ता कुतुब खाना शब्बीर से है। अरे किस्सा बागे फदक सुनने की फुर्सत ही नहीं, कितनी दिलचस्पी मुसलमान को कश्मीर से है। किस्सा बागे फदक सुनने की फुर्सत ही नहीं, कितनी दिलचस्पी मुसलमान को कश्मीर से है। कोई बात नहीं, यह महफिल है, जो सच्चे और खरे लोग हैं वही रह जाते हैं और देखने वाले लोग तो बीच में जाने लगते हैं। तो इस हम लोग जो है उस अकीदे के हैं, यहाँ भागा नहीं जाता है और भागने वालों का पीछा भी नहीं किया जाता है। अली वालों की सिफत यह है कि ये मैदान से आके भागते नहीं, और अगर कोई भाग रहा हो तो उसका पीछा भी नहीं करते, उसको मुड़ के देखते भी नहीं। आइए हम इस माहौल को आगे बढ़ाते हैं। और उन्होंने कहा कि एक पल में किया एक को दो, दो को चार, ये जो उन्होंने कहा मिसरा, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, और वो शेर है जनाबे उस्ताद शायर जनाबे सरवर नवाब सरवर का। वो कहते हैं, उठाना देखना कुछ सोचना फिर फेंकना पानी। यार सुन लीजिए भाई, जो लोग सिर्फ मेरी तरफ देख रहे हैं वही समझ पाएंगे, जो इधर उधर दिमाग लगाए वो नहीं समझ पाएंगे। उठाना देखना कुछ सोचना फिर फेंकना पानी, हजारों बार दरिया मर गया इन चार लम्हों में। अच्छा मालूम है मौलाए कायनात जो हैं वो सिफीन में मालिक अश्तर से क्या काम लेते थे। जब वो लाशें उठाना, क्या उम्दा आपने सुना, उठाना देखना कुछ सोचना फिर फेंकना पानी। उठाना देखिए, कुछ नहीं कहा उन्होंने, ना चुल्लू कहा, ना मश कहा, ना आलम कहा, ना अब्बास कहा, कुछ नहीं कहा, मगर सब कह दिया। उठाना देखना कुछ सोचना फिर फेंकना पानी, हजारों बार दरिया मर गया इन चार लम्हों में। हजारों दार बार दरिया मर गया इन चार लम्हों में। अच्छा, मैदान जंग का तकाजा ये है कि अगर कुछ लोग जैसे कत्ल वत्ल हो जाएं या मैदान छोड़ के चले वो ले जाएं, तो जो बाकी सिपाही होते हैं वो कलबे लश्कर में सिमट आते हैं, तब लुत्फ आता है। मतलब आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, थोड़ा थोड़ा सिमट आइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, ताकि कैमरा भी जब घूमे ना। मैं आपको टेक्निकल मजबूरी बता रहा हूँ, ये निज़ामत की खाली मजबूरी नहीं है, कसम खुदा की। सुल्तानपुर वालों, तुम्हारी इज्जत आबरू का सवाल है। जब ये आज़ादारी चितौड़ा के कैमरे से तस्वीर जाएगी, ये घुमाएंगे तो पता चला कि बीच में जो है पंजाब है, उधर मथुरा है, और उधर कलकत्ता है, उधर बंगाल है, उधर श्रीलंका है। ये ना हो, ज़रा सा एक अखंड भारत की तस्वीर बनाइए आप लोग, ज़रा करीब आइए आप लोग, आ जाइए बीच बीच में खाली जगह, ये जब कैमरा घूमेगा तो बड़ा ख़राब लगेगा। ज़रा सा आप लोग करीब आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, तशरीफ़ लें आप लोग, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। भाई साहब, मैंने इन लोगों को इसीलिए आगे किया कि आप लोग भी आ जाइए, वरना हम लोग वहीं जाके करीब हो जाएँ। सिमट के अच्छा लगना है, सिमट के ही आप लोगों का बैठना अच्छा लगता है। आप ना आ सके तो हमें इजाज़त दीजिए, हम लोग आ जाएं, लेकिन ये डाइस नहीं आ सकता तो आप ही आ जाइए हुजूर, खुदा का वास्ता। हम लोग कई हज़ार किलोमीटर से चल के आए हैं, आप लोग यानी सात आठ कदम खाली आ जाइए, सात आठ कदम, पांच कदम, छः कदम। बस बस बस, असल में जिस माहौल में मैं था, अगर उसी वक्त शायर को पढ़ाता तो एतराज़ हो सकता था कि निज़ामत किस लिए होती है। निज़ामत बने हुए माहौल में 36 मुसद्दस के बंद पड़ देने का नाम नहीं आए। मुंतशिर माहौल को काबू में लाने के लिए कुछ अपने को खर्च करने का नाम है। आप ये समझिए, अब माहौल पूरी तरह से तैयार है, आप लोग सिमट आए हैं, आपका महबूब और पसंदीदा शायर। चराग दोशे हवा पर जला दिया जाए, फिर उसके बाद कोई फैसला लिखा जाए, जबान काटने वाले जहां पे रहते हैं, चलो अली का कसीदा वहीं पढ़ा जाए। दोनों ने दाद किससे ज्यादा ली, ये फैसला मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता आज तो, और यही कमाल है कसम खुदा की। मगर खुर्शीद भाई, आज आपको पढ़ाने के लिए निज़ामत के जितने पैतरे हो सकते थे, जितने टूल हो सकते थे, सब मैंने इस्तेमाल किए, बल्कि यूं समझ लीजिए कि मेरी फरमाइश जो थी वो वाईफाई का पासवर्ड बन गई।
वाईफाई मिल गया और उसके बाद आपने जो पढ़ना शुरू किया, कसम खुदा की। और कभी मुझे 35 साल पुरानी डायरी निकलवानी पड़ी, कभी मेरठ से फखरी को मंगवाना पड़ा और आपको सुनने के लिए वो माहौल बना। मगर मठवालो, सुल्तानपुर वालों, जिंदाबाद, क्या उमदा जश्न हो रहा है, कसम खुदा की जश्न मनाया जा रहा है। इसलिए दो एक जुमले मैं ऐसे कह देता हूँ, और मैंने तरह ख़ास तरीके से इसलिए पढ़वाई कि आज पूरी दुनिया में ये जो नई जनरेशन है, हो सकता है इसके जहन में ये बात ना हो, जब वो दूसरे मुल्कों से कैसेटें सुनते हैं, ये शेर वो शेर, वो सब यहीं बैठ के कहे गए हैं। जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास ने, ये शेर इसी सुल्तानपुर में कहा गया है, इसी करबला पे कहा गया है, जनाब काजिम जरवली का। ये सब ऐसे शेर हैं, इसलिए कभी कभी होने चाहिए। और अर्ज करूं, अब जिस बस्ती की तरफ मैं चल रहा हूँ, हालांकि अब कुल 5 शोराए कराम हैं, जनाब मारूफ सिरसवी, जनाब सलीम बल्लामपुरी, जनाब फखरी मेरठी, जनाब अजीज आजमी, और वो शायरी का बेताज बादशाह जनाब मीसम गोपालपुरी, ये लोग हैं बस सुनने वाले, पंजतन लोग हैं, 5 हैं। अब आप सुनिए इंशाल्लाह, अब निजामत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि महफिल जिस कामयाबी से उठती हुई चली गई है, लेकिन नाजिम वो जो मौका देख के चौका ना मारे तो क्या, वो भी तो कुछ कर लेगा भाई। अब सबको रजी बिस्वानी हो रहे हैं तो मैं 4 मिसरे खाली पेश करता हूँ। देखिए, जैसे पूर्वांचल में जौनपुर, सुल्तानपुर, जलालपुर, मैं गलत नहीं कह रहा हूं भाई, पूर्वांचल में ये 3 बस्तियां ऐसी हैं जो महफिलों वाली बस्तियां हैं, आज़ादारी वाली बस्तियां हैं। ऐसे ही मगरिब में, पश्चिम में सिरसी, नौगावा, अमरोहा, ये साथ में मिली हुई बस्तियां, गलत तो नहीं कहा मैंने, ये वो बस्ती है। हाँ, हालांकि उधर जाएंगे तो बराट हो जाएगा, मैंने इधर से बस थोड़े थोड़े लिए हैं। सिरसी, अच्छा, सिरसी में तमाम बड़ी शायरी सुल्तानपुर में आके हुई है, मैं आपको मिसरे यहाँ का सुनाता हूँ। साहिल सिरसवी ने यहाँ आके पढ़ा था, तब हम लोग हाँ निजामत कर लेते थे, लेकिन सुनने उनने के लिए ज़्यादा आते वाते थे, ये समझिए। फखरी भाई से पूछिए आप, साहिल सिरसवी ने यहाँ पढ़ा, बम कर दिया था, कसम खुदा की 35 साल 40 साल पहले की बातें कर रहा हूँ मैं, हम लोग भी तो 50 के होने वाले हैं। अर्ज कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ अन्ना तो बताओ, सही कह रहे हो। अच्छा, अन्ना हजारे बाद में हुआ, अन्ना हमारे पहले से हैं, कसम खुदा की 40 साल से अन्ना कह रहे हैं हम इन्हें, बकरी मेरे ठीक हो। हाँ, अब मैं 4 मिसरे पेश करूंगा जनाबे उस्ताद साहिल सिरसवी के, और यहाँ जिस अंदाज से वो पढ़ते थे, और वकार भाई उनके साथ रदीफ की तरह चलते थे, कसम खुदा की तरीके से साथ साथ, कसम से हम लोग सफर करते थे, आप देखिए, अब बचपन याद आ रहा है, हम लोग साथ में होते थे, कसम से वकार भाई जो है वो, ये हमारे आइडियल थे, ये हमारे सीनियर हैं भाई। नासरिया में जब सुल्तानिया का नाम हमने नहीं सुना था, तब ये नासरिया में पढ़ते थे। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपसे, जो जो बात है याद तो दिलाना चाहिए ना, बातें ज़्यादा करने लगा हूँ मैं, अब जरा सा 4 मिसरे मैं पेश कर रहा हूँ यजीद वालों के। देखिए, इसमें साहिल सिरसवी का जो अंदाज है वो देखिए, साहिल सिरसवी का ये अंदाज जो बाद में बेताब हल्लौरी बना और उसके बाद अजीज आजमी बना, वो मिसरे में पेश कर रहा हूँ, सुनिए साहब। यजीद वालों के चेहरे खराब होते हैं, यजीद वालों के चेहरे खराब होते हैं, हुसैन वाले जमाने पे छाए जाते हैं। ये सिरसी की शायरी है सुल्तानपुर में। यजीद वालों के चेहरे खराब होते हैं, हुसैन वाले जमाने पे छाए जाते हैं। देखिए, करबला का बहुत मंजर पेश कर रहे हैं, मगर करबला पे जो शेर होने चाहिए, करबला पे उस वक्त साहिल सिरसवी ने शेर किया, क्या करबला है, क्या मंजर है, आँखों को सुकून मिल रहा है, शेर सुनो तो समातों को सुकून मिलता है, बसारतों को सुकून मिल रहा है, जहानतों को सुकून मिल रहा है, जबान को सुकून मिल रहा है, और नारा अगर हाथ उठा के लगाएं तो हाथ को सुकून मिल रहा है। आप यकीन जानिए, कसम खुदा की आज सब कुछ वक्फ है, आँखें इसलिए खुश हैं कि ऐनुल्लाह के बेटों का जश्न है, चेहरा इसलिए खिला हुआ है कि वजहुल्लाह के फर्जंद का जश्न है, इसलिए नारे लगा रही है जबान कि लसानुल्लाह के लाडले का जश्न है। मैं मिसरे पेश कर रहा हूँ, यजीद वालों के चेहरे खराब होते हैं, हुसैन वाले जमाने पे छाए जाते हैं, हरम का कर्बोबला से मुकाबला कैसा, वहां खिलाफ यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं।
वहाँ गिलाफ यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं, वहाँ गिलाफ यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शायर अहले बैत जनाब मारूफ सिरसवी साहब, फिर भी मैंने आपको जल्दी छोड़ दिया, वरना दो दो शेर पांच सिरसी वालों के पढ़ता और 35 शेर जनाब मारूफ सिरसवी साहब के पढ़ता, लेकिन वह खुद पढ़ें। नारे हैदरी।